वाले टीवी चैनलों से षड्यंत्र करके अब संकीर्ण व शरारतीपूर्ण खबरें भी दिखाना शुरू कर दी है, ताकि पार्टी व इसके शीर्ष नेतृत्व को, सर्वोच्च नेतृत्व को चुनाव के दौरान फिर से बदनाम किया जा सके। इसी क्रम में मेरे जन्मदिन के खुशी के मौके पर गरीबों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जन्मदिन का केक खाकर खुशी मनाने की उनकी इच्छा को केक की लूट बताकर इसको नेगेटिव घटना के रूप में मीडिया द्वारा प्रचारित करना, तथा इसके साथ ही मेरे छोटे भाई के बेटे श्री आकाश आनंद को, मेरे छोटे भाई के बेटे श्री आकाश आनंद को मेरे जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में हाल ही में मेरे साथ कुछ कार्यक्रमों में शामिल रहने पर उसको पार्टी में बढ़ावा देने व उत्तराधिकारी आदि के रूप में खासकर एबीपी न्यूज़ द्वारा पूरा कार्यक्रम बनाकर प्रदर्शित करना, ये सब डीएसपी विरोधी षड्यंत्र है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस प्रकार से कुछ मीडिया द्वारा जातिवादी व दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के इशारे व षड्यंत्र के तहत चरित्र हनन व मूवमेंट को आघात लगाने का प्रयास वैसे तो पहले भी लगातार ही खासकर बीएसपी के खिलाफ किया जाता रहा है, और बीएसपी का नेतृत्व इसका समय समय पर अपनी शैली में इसका मुंह तोड़ जवाब भी देता रहा है। लेकिन वर्तमान समय में मेरे नौजवान भतीजे श्री आकाश को भी इसमें जानबूझकर घसीटने का प्रयास मुझे इस बात पर मजबूर करता है कि मैं इस संबंध में जरूर कुछ आगे सोचूं। वैसे भी ये सब विदिति है कि पार्टी व बीएसपी मूवमेंट के हित में खासकर मेरे छोटे भाई श्री आनंद कुमार व उसके परिवार के लोगों ने विशेषकर सन 2003 के बाद से लगातार अनेकों प्रकार की दुख तकलीफें व कुर्बानियां आदि देकर मेरा 24 घंटे साथ दिया है, हर पल व हमेशा व 24 घंटे साथ दिया है, अर्थात इनका बीएसपी मूवमेंट को बड़े खामोशी के साथ बिना किसी पद के ही सहयोग करते रहने में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और इसलिए मैंने पार्टी के अधिकांश लोगों की सलाह पर ही श्री आनंद कुमार को पार्टी में ना केवल गैर राजनीतिक कार्यों के लिए ही पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पिछले दिनों बनाया था, परंतु मुझ पर परिवारवाद का थोड़ा भी कोई आरोप ना लगने पाए, इस मिशनरी सोच को ध्यान में रखकर ही श्री आनंद कुमार ने खुद ही आगे बढ़कर अपना पद त्यागने का प्रस्ताव किया और कहा कि हमेशा की तरह ही वे बिना किसी पद के पार्टी में मूवमेंट की सेवा लगातार करते रहेंगे। ये मूवमेंट के लिए उल्लेखनीय बात है, जिसको फिर काफ़ी सराहा भी गया, और तब फिर उसके बाद वह और उसका परिवार पहले से भी और ज़्यादा पूरी तत्परता के साथ बीएसपी की मूवमेंट को समर्पित है। लेकिन मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर श्री आनंद कुमार के बेटे श्री आकाश को, जो अपने माँ बाप के साथ मेरे साथ ही दिल्ली में रहता है, उसे लखनऊ के कुछ कार्यक्रमों में मेरे साथ दिखने पर उसको तुरंत ही कुछ मीडिया द्वारा सस्ती राजनीति का शिकार बनाने का षड्यंत्र जो किया गया है, ये अति निंदनीय है। वैसे तो ये सर्वविदिति है कि देश में जातिवादी व दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली पार्टियों को बीएसपी व सपा के गठबंधन से जो काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट व सत्ता हाथ से जाने की बेचैनी है, और उसका राजनीतिक तौर पर सीधा मुकाबला नहीं कर पाने के कारण ही तो अब वे लोग वैसी ही संकीर्ण जातिवादी
मानसिकता रखने वाले कुछ मीडिया के माध्यम से सस्ती व घिनौनी राजनीतिक षड्यंत्र पर उतर आए हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी हमें आता है। हम दब्बू किस्म के लोग नहीं हैं कि सुनकर बैठ जाएंगे, घबरा जाएंगे। उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी हमें आता है। ऐसी ही बीएसपी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की चर्चित राजनीतिक शैली भी रही है। मीडिया अच्छी प्रकार से जानता है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी मीडिया को किस प्रकार से वो जवाब देते थे। समय समय पर उनको मुंह तोड़ जवाब उन्होंने दिया भी है, सब लोग जानते हैं। मैं उन्हीं की ही शिष्या हूँ, चेली हूँ, तो मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। इसलिए जैसे को तैसा जवाब देने के क्रम में अब मैं आगे अवश्य ही श्री आकाश को बीएसपी मूवमेंट से जोड़कर उसे संघर्ष से जोड़ने व उससे सीखने का अवसर जरूर अब मैं प्रदान करूंगी। ये सोच रहे हैं कि मैं किनारे कर दूंगी, लेकिन मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी की शिष्या हूँ। इसलिए जैसे को तैसा जवाब देने के क्रम में ही अब मैं आगे अवश्य ही श्री आकाश को बीएसपी मूवमेंट से जोड़कर व उसे संघर्ष से जोड़ने एवं उससे सीखने का अवसर जरूर प्रदान करूंगी। और इस संबंध में कुछ जातिवादी व दलित विरोधी मानसिकता वाले मीडिया को अगर तकलीफ होती है तो हो, इसके हमारी पार्टी को कोई परवाह नहीं। इसके साथ ही इस संबंध में दूसरी पार्टियों तथा इनके नेताओं द्वारा परिवारवाद को खुले तौर पर बढ़ावा देने पर ऐसे जातिवादी मीडिया के लोग अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं, ये भी देश की आम जनता अच्छी तरह से जानती है। और इतना ही नहीं बल्कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार के समय में इसी प्रकार की संकीर्ण व जातिवादी मानसिकता रखने वाले कुछ मीडिया वालों ने अपने आप को काफ़ी निचले स्तर पर गिराकर मेरे चप्पल व सैंडल आदि के संबंध में भी काफ़ी गलत व मिथ्या खबर फैलाकर जनता को भ्रमित करने का ये घिनौना राजनीतिक षड्यंत्र रचा था जो कि जगजाहिर है। और अब वे ही लोग या इस किस्म के लोग ही, मीडिया के इस किस्म के लोग ही मेरे भाई के लड़के श्री आकाश के भी चप्पलों के पीछे पड़ गए और उसकी कीमतें ऐसे बता रहे जैसे इन्होंने ही उसे चप्पल खरीद कर दे दी हो। इस प्रकार से देश का कुछ मीडिया सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर उनके राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनने के लिए इस हद तक गिर जाएगा कि उसे जनता में अपनी इमेज में विश्वास बनाए रखने की थोड़ी भी परवाह नहीं होगी या नहीं रहेगी। ये ना केवल गंभीर चिंता की बात है बल्कि आगे के लिए गंभीरता पूर्वक सोचने वाली बात भी है।